कर्नाटक में अभी हिजाब विवाद थमा नहीं कि अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब बैन की बात सामने आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब बैन किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। देखिए, हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। ये अभी देखेंगे, उसका एक बार परीक्षण करा के देखेंगे और यदि ऐसा है तो उसका हम भी कार्रवाई करेंगे। सिंह ने आगे कहा कि अगले साल से ड्रेस कोड को सूचना प्रेषित भी करेंगे। शिक्षा मंत्री की कोशिश है कि सभी विद्यार्थियों में समानता का भाव और अनुशासन रहे, क्योंकि स्कूल की पहचान उसकी यूनिफॉर्म से ही की जाती है। बता दें कि हिजाब का मामला कर्नाटक में जनवरी 2022 में शुरू हुआ था। कर्नाटक में कई स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है। एक तरफ मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र भगवा स्कार्फ पहन अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया है, जिस पर आज ही सुनवाई हो रही है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर अंदर आ गए। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया, जिसके चलते कई जगहों पर पढ़ाई प्रभावित हो रही है और मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।